नमस्कार, पूर्णिमा की आवाज चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है लक्ष्मी और कुलशनी, दो बहनों की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक राजा और एक रानी थे, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। राजा के राज्य में भी चारों तरफ खुशहाली थी, प्रजा भी राजा को बहुत प्रेम देती थी। राजा के राज्य में प्रजा चारों तरफ से सुखी थी, कोई प्रजा को दुख नहीं था। राजा अपनी पत्नी से भी बहुत प्रेम करता था और धीरे धीरे समय बीत रहा था और राजा के दिन बड़े खुशी के साथ व्यतीत हो रहे थे। राजा की पत्नी समय रहते गर्भवती हुई और 9वें महीने उसने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन भगवान की करनी कुछ और ही थी। बेटी के जन्म के पश्चात ही रानी चल बसी, जिससे राजा को बहुत सदमा लगा। राजा के मन में बैठ गया कि जो ये बेटी हुई है, इसी के कारण रानी की मृत्यु हुई है। क्योंकि राजा रानी को बहुत प्रेम करता था और राजा की हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो गई थी। वो अपनी बेटी को बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, न ही उसकी तरफ देखता था। उसने कह दिया कि यह कोई लक्ष्मी नहीं हुई है, इसी के कारण मेरी रानी की मौत हुई है। मेरी रानी मृत्यु को प्राप्त हुई है, इसलिए ये बेटी नहीं है। ये तो मेरे लिए कोई लक्ष्मी नहीं पैदा हुई है। राजा को सबने समझाया कि देखो, जो होनी थी वो हो गई, क्योंकि रानी जो थी वो बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, भगवान शिव की बहुत पूजा करती थी। लेकिन राजा ने अपनी बेटी को ही रानी की मौत का जिम्मेदार मान लिया और वो अपनी बेटी से बहुत नफरत करने लगा और धीरे धीरे राजा सदमे में पहुंच गया। ना तो उसका राज काज में काम में मन लगता था और ना ही राजा किसी भी विषय में कोई अपनी राय देता था। ये देखकर मंत्री, घर, रिश्तेदार सबको चिंता होने लगी। अगर राजा इस तरीके से रहेगा तो राज्य का क्या होगा? पड़ोसी राज्य के जो राजा है वो आक्रमण कर देंगे। इस तरह तो हमारा राज्य, जो खुशहाल राज्य है, बिल्कुल मटियामेट हो जाएगा, इसकी तरक्की रुक जाएगी। सबने राजा को खूब समझाया, लेकिन राजा के मन से रानी की जो यादें थी वो निकल नहीं रही थी। राजा की अबोध सी पुत्री रोती रहती, लेकिन राजा उसे नजर भर कर भी नहीं देखता था। दासियां ही उस राजकुमारी का लालन पालन कर रही थी। राजा तो उसे कुल लक्ष्मी नहीं कहता था और इसलिए उसका नाम ही कुलशनी पड़ गया। अब घर, रिश्तेदार और मंत्रियों ने सलाह की, अगर ऐसे हुआ तो कैसे चलेगा। इसलिए उन्होंने राजा से दूसरा विवाह करने का प्रस्ताव रखा, जो राजा को सही लगा, क्योंकि रानी के गम को भुलाने के लिए ये भी जरूरी था और उस अबोध बच्ची के लिए भी माँ की जरूरत थी। दासियां कब तक उसका पालन पोषण करती, उसे भी तो एक माँ की जरूरत थी। लेकिन जब दूसरी रानी आई तो कहते हैं, जब पिता ही प्रेम नहीं करता था तो दूसरी माँ क्या प्रेम करती, वो भी उससे नफरत करती थी। वो भला दूसरे के बच्चों को कोई क्यों अपनाने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजकुमारी अब 1 साल की हो गई और राजा तो उसे देखता ही नहीं था। वो ठुमक ठुमक कर चलती तो भी राजा का मन नहीं पिघलता था। राजा तो बस उसे नफरत की नजरों से ही देखता था। इसका फायदा दूसरी रानी उठाती थी। अब दूसरी रानी जो पेट से हो गई और उसने भी एक कन्या को जन्म दिया। इस बार रानी जो सही सलामत थी और लड़की का प्रसव भी सही से हुआ तो राजा बहुत खुश था। कन्या होने की खुशी में राजा बहुत खुश था कि उसकी रानी बिल्कुल ठीक थी। राजा ने खूब मिठाइयां बंटवाई खूब अच्छे से। दूसरी जो राजकुमारी हुई, नामकरण संस्कार करवाया। उसका नाम राजा ने लक्ष्मी रखा। अब लक्ष्मी और कुलशनी दोनों ही साथ साथ पलने लगे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। राजा रानी लक्ष्मी को बहुत प्रेम करते थे, लेकिन कुलशनी बेचारी उपेक्षा का शिकार ही रहती थी। उसे तो कोई फूटी आंख देखकर भी खुश नहीं था, लेकिन समय अपनी गति से बीत रहा था।
धीरे धीरे राजकुमारी लक्ष्मी थी, उसको शिक्षा के लिए जो शिक्षा दिलाई गई, राजकुमारियों जैसे उसके सारे काम किए गए, लेकिन कुलशनी के लिए कोई शिक्षा का प्रबंध नहीं किया। बेचारी लक्ष्मी और कुलशनी में थोड़ा ही अंतर था। देखने में दोनों बराबर की लगती थीं। लक्ष्मी के जो कपड़े पुराने हो जाते हैं, उन्हीं को कुलशनी पहनती थी, क्योंकि जब पिता ही प्रेम नहीं करता तो दूसरा कौन देखने वाला था। बेचारी की माँ तो थी नहीं। धीरे धीरे दोनों लड़कियाँ सयानी हो गई। अब रानी एक दिन कहने लगी, राजा साहब, लड़कियाँ बड़ी हो गई हैं, इनकी शादी हमें करनी चाहिए। जो कुलशनी थी वो बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, क्योंकि उसकी तो माँ भी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह भोले बाबा की बहुत पूजा पाठ किया करती थी, और जो लक्ष्मी थी वह बड़े घमंड में रहती थी कि उसे तो घमंड था कि वह तो राजकुमारी है, उसके पास माँ और पिता दोनों का प्यार है। लेकिन बेचारी कुलशनी कहते, जिसे माता पिता का प्रेम नहीं मिलता, वे बच्चे कुछ ज्यादा ही समझदार होते हैं। कुलशनी बड़ी ही समझदार थी। वो बेचारी चुप रहती, और लेकिन महल के लोग उससे पूरी हमदर्दी रखते थे, और लक्ष्मी भी उसे डांटती रहती थी, और राजा तो अपनी बेटी लक्ष्मी को देखकर फूला नहीं समाता था, और कुलशनी को देखकर तो वो रास्ता बदल लेता था। बेचारी कुलशनी भी अपने पिता का प्यार चाहती थी, लेकिन राजा कभी उसे अपनी आँखों के आगे भी नहीं आने देता था। राजा ने सख्त हिदायत दे रखी थी कि जब भी वह महल में आए तो कुलकर्णी उसके सामने न आए। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता था। लेकिन चाहे राजा कितनी भी नफरत करता था, बेटी की शादी तो करनी ही थी। थी तो वह राजा की बेटी। एक दिन रानी ने राजा से कहा, राजा साहब, दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं, इनके लिए कोई लड़का तलाश किया जाए। राजा कहने लगा, हाँ रानी, विवाह तो करना पड़ेगा, और जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है, इस कुलशनी का साया हमारे महल से हट जाए। रानी तो वैसे ही कुलशनी को नफरत करती थी, उससे सारे काम कराती थी, और वह तो वैसे ही चाहती थी कि कुलशनी दुखी रहे। इसलिए उसने कहा कि राजा साहब, कुलशनी बड़ी है, पहले उसकी शादी कर दीजिए। राजा ने कहा, उसकी शादी क्या करनी है, जैसी वह है ऐसा उसके लिए लड़का देख दिया जाएगा। रानी कहने लगी, अरे राजा साहब, उसके लिए तो कोई अंधा भिखमंगा लड़का ही सही रहेगा, वो कहाँ राजमहलों के लायक है, जहाँ भी जाएगी वहाँ का बेड़ा गर्क कर देगी, यहाँ तो अपनी माँ को होते ही खा गई, वहाँ भी ना जाने क्या हो और हमें क्या क्या सुनना मिले। राजा कहने लगा, रानी साहिबा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। राजा ने तुरंत ही अपने जो नाई और ब्राह्मण को बुलवाया अपनी सभा में, और उन्हें कहा कि कुलकर्णी के लिए एक अंधा वर देख कर आओ। अब नाई और ब्राह्मण जो कुलशनी के लिए वर की तलाश में चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर एक गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा एक भिखारन थी, उसका एक बेटा था, जो माँ बेटे दोनों भीख मांग रहे थे। बेटा अंधा था, घर के नाम पर एक फूस की जो टूटी फूटी सी झोपड़ी थी। नाई और ब्राह्मण उसे देखकर खुश हो गए, क्योंकि उन्हें कई दिन हो गए थे और काफी समय लग गया था। जैसा राजा ने बोला था वैसा ढूंढने के लिए आज उनकी नजरों के सामने ऐसा ही वर था। इसलिए नाई और ब्राह्मण था वो उस भिखारन के पास गए और उससे कहने लगे, माई, हम तेरे बेटा के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता लाए हैं। भिखारन पहले तो हंसी और फिर कहने लगी, क्यों भैया, क्यों भिखारन का मजाक उड़ा रहे हो, भला मेरे अंधे बेटे से कौन विवाह करेगा। तब जो नाई था वो कहने लगा, अरे माई, हम तुम्हारे बेटे के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता लाए हैं, और वो भी राजमहल से लाए हैं। ये सुनकर तो भिखारन को विश्वास ही नहीं हुआ, वो तो तुरंत राजी हो गई कि राजमहल से उसकी बहू आएगी, चाहे वो कुछ भी नालायक कैसी भी हो, लेकिन राजमहल से तो नाता जुड़ी ही जाएगा, और उसके साथ कुलशनी का रिश्ता तय करके नाई और ब्राह्मण अपने राज्य लौट आए, और उन्होंने आकर राजा को सारी बात बताई।
राजा ने कहा कि ठीक है, जैसा लड़का चाहिए था वैसा मिल गया, और राजा ने जो कुलशिनी का विवाह उस अंधे भिखारी के साथ कर दिया और दान दहेज के नाम पर भी उसे कुछ नहीं दिया। बेचारी कुलशिनी वहाँ से विदा होकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल आई तो देखी, वहाँ तो वो महलों में रहती थी, चाहे कुछ भी था तो राजकुमारी जब अपने ससुराल आई तो देखा कि एक टूटी फूटी झोपड़ी है, बैठने के लिए भी सही से जगह नहीं थी। बेचारी ने आकर भगवान से कहने लगी, हे भगवान, हे शंकर भोले, ये मेरी कैसी परीक्षा ले रहे? मुझे पति मिला वो भी अंधा, कम से कम मेरा जीवन साथी होता तो कम सही तो हम दोनों कुछ कमा कर लेते, लेकिन जो मेरा पति है वही मेरे लिए परमेश्वर है। अब मुझे जिस भी रूप में मिला है मैं हमेशा इसका साथ निभाऊंगी। और अपनी सासू माँ से वह कहने लगी, मां जी, जो भी घर में है वे खाना बनाने के लिए मुझे दे दीजिए, क्योंकि उसकी सास और उसका पति भीख मांगते थे जो 2-4 रुपए होते थे, उन्हीं से उनका घर खाना बनता था। आधी बार तो उन्हें भूखा ही सोना पड़ता था, लेकिन लक्ष्मी ने जो भी पैसे मिले उनसे उसने जो खाना बनाया, अपनी सासू माँ और अपने अंधे पति को खाना खिलाया, और जो बाद में बचा खुचा वो ग्रहण कर लिया और भोले बाबा की मर्जी मानकर उनके साथ बड़े प्रेम से रहने लगी, अपने सास और अपने पति की सेवा करने लगी। उसने उन्हीं में सुख तलाशने की कोशिश की। उधर अब रानी कहने लगी, राजा साहब, कुलशिनी का तो विवाह हो गया, उससे तो हम जो छुटकारा पा चुके हैं, लेकिन अब हमारी लक्ष्मी बिटिया के लिए भी कोई अच्छा सा वर ढूंढ दीजिए। राजा ने अपने नाई और ब्राह्मण को बुलाया और कहा कि एक अच्छे से राजा का बेटा राजकुमार, जो कि अच्छा राजकुमार, अच्छा बड़ा राज्य होना चाहिए जिसमें हमारी लक्ष्मी बेटी का विवाह तय करना चाहिए। नाई और जो ब्राह्मण था वो लक्ष्मी के लिए वर ढूंढने चल दिए और एक चक्रवर्ती राजा के यहाँ पहुँचे, और लक्ष्मी क्योंकि देखने में सुंदर भी थी और वहाँ पर जो राजकुमार था राजा का एक ही था और वह भी चक्रवर्ती सम्राट बनने वाला था, इसलिए उन्होंने वहाँ पर लक्ष्मी का रिश्ता तय कर दिया। समय से बारात आई, राजा ने खूब दान दहेज दिया और लक्ष्मी को बड़े शानो शौकत के साथ विदा किया। बेचारी कुलशिनी उधर अपने जैसे तैसे दिन काट रही थी और लक्ष्मी तो ऐशो आराम से आई थी और रानी बनकर ही रही। उधर राजकुमारी थी, माँ बाप का प्यार मिला, इधर भी उसे अच्छा राजमहल और चक्रवर्ती सम्राट जैसा पति मिला। अब कुलशिनी ने एक दिन उसकी सासू माँ कुछ पैसे भीख मांग कर लाई तो वह कहने लगी, माँ जी, यह भीख मांगना हमें अच्छा नहीं लगता, इससे अच्छा है कि हम कोई काम कर लें। उसकी सासू माँ कहने लगी, बेटी बहू मेरे घर की तो तुझे कुलशिनी कहते हैं, लेकिन तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है, तू जो कहेगी मैं मान लूंगी। वह कहने लगी, मां जी, इन पैसों से मैं कुछ खरबूजे खरीद कर लाती हूँ, गर्मियों का समय है, खरबूजे और तरबूज इस मौसम में बहुत बिकते हैं, मैं उन्हें बेचूंगी और उससे अपना गुजारा करेंगे, कम से कम हम अपने आत्मसम्मान से तो रहेंगे। आप भीख लेने जाती हो, 10 लोग आपको ठुकराते हैं, कोई 1-2 तरस खाकर भीख देता है, मुझसे ये देखा नहीं जाता कि लोग आपका अपमान करें, इसलिए आज से आप घर पर रहो और मैं ये तरकारी भाजी बेचने जाया करूंगी। उसकी सासू माँ बोली, बेटी तो नहीं है, कहाँ जाएगी? वो कहने लगी, नहीं मां जी, आप घर में रहो। वो बोली, ठीक है। अब उन पैसों के जो भी थे उसने एक डलिया ली और उसमें कुछ तरबूज और खरबूजे रख लिए और लेकर चल दी, और जंगल के रास्ते पर एक मंदिर था, उसी मंदिर के सामने जाकर बैठ गई। बड़े ताजे ताजे खरबूजे थे और गर्मियों में तो खरबूज तरबूज लोगों को बहुत ही पसंद आते हैं, इसलिए हाथों हाथ कुलशिनी के खरबूजे और तरबूज बिक गए, उसके सारे उसने बेच दिए। अब उसके पास सिर्फ 2 खरबूजे रह गए। उसी समय संयोग से माता पार्वती और महादेव जी उसी रास्ते से गुजर रहे थे। माता पार्वती कहने लगी, शंकर जी, देखो खरबूजे की महक यहाँ तक आ रही है,
मुझे तो खरबूजा खाना है। शंकर जी कहने लगे, अरे पार्वती, तुम भी किस चक्कर में पड़ रही हो? चलो कैलाश चलते हैं। तभी तो तुमने कहा था कि मुझे पृथ्वी पर भ्रमण करना है और मैं तुम्हें घुमाने के लिए ले आया, तो अभी तुमने कौन सी रट लगा ली? कहते हैं ना कि जो नारी हट होती है वह मनवा के ही रहती है। वह कहने लगी, नहीं नहीं महादेव, मुझे तो उस रास्ते से जाना है। देखो उधर खरबूजे की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। कैसी ताजे ताजे उसके पास खरबूजे हैं, और वह तो आपकी भगत है। अब पार्वती, माया और भोले बाबा ने बूढ़े बुढ़िया का भेष धारण किया और पहुंच गए कुलशनी के पास। कुलशनी के पास दो खरबूजे थे। उन्होंने बिल्कुल ऐसा भेष बनाया, पत्ते फटे हुए, चीथड़े बिल्कुल गंदे से, और जाकर कहने लगी, बिटिया हम भूखे हैं, क्या हमें कुछ खरबूजा खाने को मिलेगा? तो कुलशनी कहने लगी, हाँ माई, आप बैठो, इतनी गर्मी पड़ी हुई है। कुलशनी के पास थोड़ा पानी था। पहले उसने भोले बाबा और मैया पार्वती बने हुए बूढ़े लोगों को पानी पिलाया और आराम से बिठाया, और एक एक खरबूजा, जो दो खरबूजे उसके पास बचे हुए थे, वह उन्हें खाने को दिए। तो पार्वती मैया कहने लगी, बिटिया हमारे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, हम कहाँ से पैसे देंगे? खरबूजे तो हमने खा लिए। वह कहने लगी, कोई बात नहीं मैया, आज मैं खरबूजे बेचने आई थी और भोले बाबा की कृपा से मेरे सारे खरबूजे बिक गए। अब मेरे पास सिर्फ दो खरबूजे शेष बचे थे। अगर आप इन्हें खा लिए तो ये भी मेरे लिए धर्म पुण्य का काम है। आप तो बूढ़ी माँ हैं, मेरी कोई माँ नहीं है, और आपने मुझसे इतने प्यार से बेटी कहा है। बेटी शब्द सुनने के लिए तो मैं तरस गई थी। कभी मेरे पिता ने भी मुझे बेटी का प्यार नहीं दिया। और तब पार्वती बनी बूढ़ी माँ कहने लगी, बिटिया काफी दूर से चलकर आई हूँ, मेरा सांस चल रहा है और मेरे पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है। और पार्वती मैया वहीं बैठकर निढाल हो गई। तब कुलशनी ने देखा कि पार्वती मैया, जो कि बूढ़ी थी, उसे क्या पता था कि यह तो साक्षात भोले बाबा और माता पार्वती हैं। उसने कहने लगी, मैया लाओ, मैं तुम्हारे पैर दबा देती हूँ, और वे बड़े प्यार से उस बूढ़ी माई के पैर दबाने लगी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। पार्वती मैया को नींद आ गई। पार्वती मैया को नींद आ गई तो जो कुलशनी थी वह अपने आंचल से मैया के मुंह पर हवा करने लगी, ताकि कोई मक्खी मच्छर उन्हें परेशान न करे, और भोले बाबा भी उधर लेट गए। जब पार्वती मैया की आंख खुली तो बड़ी प्रसन्न हुई। कहने लगी, बिटिया तूने तो हमारी बहुत सेवा की है, और हम तो हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। वो कहने लगी, कोई बात ना मैया, मेरी कोई माँ नहीं है, तुम्हारी सेवा करके तो मुझे माँ जैसा अपनापन मिला है, ऐसे लगा जैसे तुम मेरी माँ हो। तब कुलशनी से वह कहने लगे, तो अच्छा बेटी, अब हम चलते हैं। और जाते हुए कहने लगी माता पार्वती भोले बाबा से कि सुनिए, आपकी झोली में कुछ है तो इस बेचारी बिटिया को दे दो। भोले बाबा कहने लगे कि मेरे पास क्या है? तभी पार्वती मैया कहने लगी, वो भभूति निकाल कर दे दीजिए। भोले बाबा के पास तो भांग, धतूरा, भभूति यही चीज होती है। और भोले बाबा की झोली से माता पार्वती ने भभूति निकालकर जो कुलशनी को दे दी, वी बड़ी खुश हुई। उसने आंचल पसार कर वो भभूति ले ली और खुशी खुशी अपने घर चल दी। घर आकर वो अपनी सासू माँ से कहने लगी, माँ, आज एक बूढ़ी माँ और बूढ़े बाबा की सेवा करके मुझे असीम आनंद मिला, और देखो माँ आज की कमाई, आज मेरे सारे खरबूजे भी बिक गए। माँ, अब तुम्हें और जो उसका पति था उसके लिए, वो कहने लगी, उनको कहीं भी भीख मांगने जाने की जरूरत नहीं है, अब हम मेहनत से काम करेंगे और भोले बाबा की कृपा रही तो हम सम्मान की जिंदगी जिएंगे, हमें भीख नहीं मांगना। उसकी सास कहने लगी, कुलशनी बेटा, मैं तो तुझ जैसी बहू पाकर निहाल हो गई। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कभी मेरे बेटे का विवाह भी होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था
मेरे बेटे के नसीब में इतनी संस्कारी बहू लिखी थी। मैं तो भगवान की बहू थी। ऋणी हूँ कि भगवान ने मेरे बेटे की किस्मत में तुम्हें लिख दिया। वह कहने लगी, माँ आज एक बूढ़े बाबा और बूढ़ी अम्मा आई थी, उन्होंने मुझे ये भभूति दी है, इसका मैं क्या करूँ। तब उसकी सास बोली, बेटा अभी अब जो मैं उसका बेटा था उसको आने दे, जैसे वह बोलेगा वैसे ही करना। शाम को जब उसका पति आया तो वह कहने लगी, स्वामी आज मुझे ये भभूति दी है एक बूढ़े बाबा और बूढ़ी माँ ने, इसका मैं क्या करूँ। तब उसका पति कहने लगा, एक काम करो, घर के चारों कोने में इसे बुर्क दो और जो बचे उसे कुछ संदूक में रख दो और पूरे घर में इसे छिटका दो, बाकी का जो हमारा तुलसी का गमला उसमें डाल दो। वो बोली, ठीक है, अब कोई लक्ष्य नहीं है क्योंकि शाम तो हो ही गई थी। चारों कोने में उस भभूति को छिटक दिया और जो बची उसे तुलसी के गमले में रख दिया और कुछ संदूक में रख दी। रात को खाना बनाया, खाना खाकर अपनी सासू माँ को खिलाया, अपने पति को खिलाया, फिर खुद खाकर घर की सफाई करके सो गई। सुबह उठती है तो क्या देखती है कि उसकी झोपड़ी की जगह तो बहुत ही सुंदर महल बन गया, चारों कोने झंझना रहे हैं, हीरे मोती चमक रहे हैं, धन के अंबार लगे हुए, अन्न और धन से घर भरा हुआ है। ये देखकर तो उसको बड़ा अचंभा हुआ। वो दौड़ी दौड़ी अपनी सास के पास पहुंची और कहने लगी सासू माँ से, मान जी उठिए, मान जी उठिए, देखिए क्या चमत्कार हो गया। उसकी सासू माँ की आंख खुली तो उसने अपने घर उसकी पहचानने में नहीं आ रहा था। वो कहने लगी, अरे कुलशनी क्या हम तेरे मायके में आ गए हैं? आज तक तो तेरे पिता ने कभी मुड़कर नहीं देखा, लेकिन मैं तो सोई हुई थी, कब मुझे यहाँ लेकर आ गई? तो तब वो कहने लगी, कोई लक्ष्य ने नहीं मांझी, यह मेरे पिता का घर नहीं, ये तो हमारा घर है। देखिए शायद ये भोले बाबा की और माता पार्वती की अनुकंपा हुई है, उन्हीं की कृपा से मेरे भाग्य बदल गए हैं। देखो शायद वे बूढ़े बाबा और बूढ़ी माँ कोई और नहीं, साक्षात भोले बाबा और माता पार्वती थे जिनको मैं पहचान नहीं पाई। और वह रोने लगी कि भगवान साक्षात मेरे पास आए और मैं उनको पहचान नहीं पाई। उसकी सासू माँ ने कुलकर्णी का धीरज बंधाया। तभी उसके पति की आंख खुली तो वह चिल्लाते हुए बोला, अरे कुलशनी से और अपनी माँ से कि माँ देखो मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, अब मैं अंधा नहीं रहा। ये देखकर तो कुलशनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि उसके पति की आंखें आ गई, उसे और क्या चाहिए था। अब उसका पति भी किसी राजा से कम नहीं था। अब उन्होंने कहा कि जब इतनी बड़ी कृपा हुई है तो क्यों न हम एक अच्छा सा भोले बाबा और माता पार्वती की शिव चर्चा करवाएं, जिससे कि लोगों को बुलाएंगे, अपने यार नाते रिश्तेदारों को बुलाएंगे और भंडारे कराएंगे। उसकी सासू माँ कहने लगी, बेटी मेरे तो घर की तू लक्ष्मी है, जैसा तू करना चाहे वैसे कर। अब उसने अपने घर में जो एक कथा रखे उसने सब रिश्तेदारियों में न्योते भिजवाए, अपने मायके भी भिजवाए, अपनी बहन के भी भिजवाया और सब उसकी जो कथा में आए। लेकिन उसके पिता को तो अपने ऊपर बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैंने बेटी के साथ ऐसा किया। लेकिन उसका नसीब देखो, नसीब के आगे किसी की नहीं चलती। मेरे चढ़ाने से क्या होता है जब भगवान ने उसका नसीब स्वयं अक्षरों से लिखा है। लेकिन उसके पिता और माँ को जो सौतेली माँ थी उसे बड़ा अफसोस था, क्योंकि जब कुलशनी की और लक्ष्मी की शादी हो गई थी तभी उसके पिता कोढ़ी हो गए थे और कोढ़ी रोग ऐसा था कि उसके पिता ठीक नहीं हो रहे थे, जिससे उनका राजपाट भी धूमिल होता जा रहा था। क्योंकि जब राजा ही राज करने वाला मजबूत ना हो तो राज्य तो जो गरीब होता ही जाएगा, उसमें घुसपैठ होने लगी थी। उसका पिता एक नाम का राजा रह गया था। जब उसकी बहन लक्ष्मी आई, क्योंकि लक्ष्मी तो पहले से ही घमंडी थी, लक्ष्मी को बात बात पर वो जो ताने मारा करती थी,
जब आई तो उसने देखा कि कहां तो मैं तो चक्रवर्ती सम्राट की बीवी हूँ, रानी हूँ, चक्रवर्ती रानी हूँ और मेरा पति इतना बड़ा राज्य का मालिक है। लेकिन यह महल और इसके ठाठ बाठ तो मुझसे भी ज्यादा अच्छे हैं। वे कुलशनी से कहने लगी कि कुलशनी तुझे ये सब कहां से मिला, कैसे मिला। तो कुलशनी ने सारी बातें अपनी बहन को बता दी। अब उसके मन में तो फिर से लालच समा गया। वो तो किसी भी कीमत पर कुलशनी को नीचा दिखाना चाहती थी। वो तो चाहती थी कि उससे ऊपर कुलशनी हो ही नहीं सकती। लेकिन जिसे भगवान उठाना चाहे उसे कौन रोकने वाला होता है? ऊपर उठाने वाला तो भगवान है, किसको कब क्या बना दे। वो तो भोले बाबा की कृपा के आगे भी नतमस्तक है। कब किसको ऊंचा उठा दे, कब किसको नीचा दिखा दे, यह कोई नहीं जानता। अब जो कुलशनी से पूछकर उसकी बहन ने कहा, अपने पति से देखो जी, मैं भी जो खरबूजे बेचने जाऊंगी। उसका पति कहने लगा, अरे लक्ष्मी, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। हमारे राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अरे वो तो तेरी बहन इतनी गरीब थी, उसकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखकर उस पर भगवान ने कृपा की है, तो क्यों जलन के मारे मरी जा रही है। तेरे पास किस चीज की कमी है। लेकिन लक्ष्मी नहीं मानी। वो कहने लगी, नहीं जी, मुझे तो खरबूजे बेचने जाना है। वो बोला, ठीक है, अगर नहीं मानती है तो कर। अब वो कुलशनी की बहन लक्ष्मी जो लेकर खरबूजे एक डलिया में जाकर बेचने के लिए एक मंदिर के पास जाकर बैठ गई। संयोग से उस दिन भी माता पार्वती और भोले बाबा आ रहे थे। खरबूजे बड़े ही ताज़ा ताज़ा थे। पार्वती मैया भोले बाबा से कहने लगी कि देखो जी, मुझे तो खरबूजे खाने हैं। गर्मी का मौसम है और यह चीज गर्मी में ही खाई जाती है। भोले बाबा ने बहुत समझाया लेकिन लक्ष्मी पार्वती जी नहीं मानी। उन्हें तो लक्ष्मी जी के लक्ष्मी के जो खरबूजे पसंद आ रहे थे, अब उन्होंने फिर से बूढ़े का भेष बनाया और एकदम से ऐसे भिखारियों जैसा फटे भेष बनाकर उसके पास पहुंच गए। लक्ष्मी का तो उस दिन एक खरबूजा भी नहीं बिका था। अब वह गई और पार्वती मैया कहने लगी, बिटिया बहुत भूख लगी है, गर्मी के मारे दम निकल रहा है, बहुत प्यास भी लगी है और थोड़ा सा पानी पिला दे और हमें थोड़ा खरबूजा खाने के लिए दे दे। तो लक्ष्मी कहने लगी, अरे हट, सुबह से बोहनी तक तो हुई नहीं है, कहां से भिखारी चले आए मांगने के लिए। अब पार्वती मैया और भगवान से एक दूसरे की तरफ देखकर मन ही मन मुस्कुरा उठे और उधर बैठ गए। वो डंडी उठाकर कहने लगी, अरे परे हटो, कितने गंदे लोग, पीछे हटो, दिखाई नहीं देता। मैं खरबूजे बेचने के लिए आई हूँ और अभी तक मेरा खरबूजा नहीं बिका है। और जब भगवान शंकर और माता पार्वती आएंगे तो उन्हें मैं क्या दूंगी, पीछे हटो। अब वो जो उसने खरबूजे नहीं दिए, सुबह से शाम हो गई, एक भी खरबूजा नहीं बिका। फिर वो उठकर चलने लगी तो कहने लगी, अरे मैं जा रही हूँ। माँ जी, क्या तुम मुझे थोड़ी भभूति नहीं दोगी। कुलकर्णी को तो तुमने भभूति दी थी, उसने सोचा था कि भगवान शायद साक्षात आए थे। जब भगवान और पार्वती मैया साक्षात नहीं आए तो उसने उस बुढ़िया से ही कहा, तो पार्वती मैया कहने लगी, अरे हाँ, शंकर जी से इसे थोड़ी भभूति दे दीजिए। शंकर जी ने अपने झोले में हाथ डाला और लक्ष्मी को भभूति दे दी। लक्ष्मी लेकर उसे खुशी खुशी आ गई और आकर अपने पति से कहने लगी, देखो जी, मैं भभूत लाई हूँ। और उसने सारे घर में छिटक दी और बड़े ही खाना खाकर, चाहे कोई खाए या ना खाए, खाकर सो गई। सुबह उठी, उसे सारी रात पहले तो नींद नहीं आई कि सुबह उठेंगे तो हीरे मोतियों के अंबार लगे मिलेंगे। ये सोच सोचकर वो बड़ी खुश हो रही थी। लेकिन जैसे ही सुबह उठी तो क्या देखती है, उसके महल की जगह एक झोपड़ी बन गई और कीड़े मकोड़े भिन भिन रहे थे। अब तो लक्ष्मी मुंड पकड़कर रोने लगी, कहने लगी, हे भगवान, गाल गलौच करने लगी, कुलशनी को इसने मेरे साथ क्या कर दिया।
अब उसका पति उसे समझाने लगा, देखो लक्ष्मी, तुमने जो लालच में आकर सब किया है, तुम्हारी बहन दिल की अच्छी थी, तुमने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। भगवान ने उसकी नियत, उसकी भक्ति देखकर उस पर कृपा करी, लेकिन तुम लालच में थी, अपना जो पास में था तुमने वो भी खो दिया। जो अपने पास होता है उसी में सबर तुम्हें करना चाहिए था। उसके पति ने उसे खूब समझाया, लेकिन लक्ष्मी अपनी बहन कुलकर्णी को ही कहने लगी, उसकी काली छाया पड़ गई हम पर, इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ है। उसके पति ने उसे डांटा और कहा, लक्ष्मी अभी भी सुधर जाओ। और तब उसके मायके में ये खबर पहुंची तो राजा और रानी, जो कि राजा कोड़ा हो गया था, वो और उसकी माँ जैसे तैसे हुआ। उन्हें देखकर लक्ष्मी कहने लगी, दूर हटो, दूर हटो, मुझे ऐसे माँ बाप की जरूरत नहीं है जो जो कोड़ा हो। मैं ऐसे माँ बाप को नहीं रखूंगी, मुझसे दूर रहो। उसके माँ बाप तो अपनी बेटी का दुख में दुखी होने के लिए आए थे, लेकिन उसकी बेटी ने उन्हें छिटका दिया। और जब ये बात कुलशनी को पता चली कि उसके माता पिता भी दर्द के भिखारी हो गए हैं और उसकी बहन के साथ ऐसा हो गया है कि उसका राजपाट भी जो सब नष्ट हो गया है, तो वह कुलशनी अपने पति के साथ आई और अपना आधा धन देकर अपनी बहन का राजपाट बसाया और अपने माता पिता को अपने साथ ले गई और उनकी बहुत सेवा की और भगवान की कृपा से और कुलशनी की श्रद्धा और भावना से और भोले बाबा के आशीर्वाद से जो उसके माता पिता ठीक हो गए। अब उन्हें अपनी गलती का पूरा एहसास था कि जिसे वह कुलशनी समझ रहे थे वो तो साक्षात लक्ष्मी थी, और वह अपनी गलती के लिए भोले बाबा से क्षमा याचना करने लगे और अपनी बेटी को लक्ष्मी को बुलाने लगे। उनका राजपाट भी लौट आया था और पहले की तरह कुलशनी का पिता राजा बन गया और फिर से राजपाट करने लगा। और अब कुलशनी को हर तीज त्योहार पर सब पर बुलाने लगे और अपनी बेटियों को बहुत प्यार करने लगे। हे भोले बाबा, जैसे कुलशनी को पीहर मिला, पीहर में उसका मान सम्मान बढ़ा, ऐसे ही जो ये कथा सुन रहे हैं उनके मायके में भी उन बहनों का मान सम्मान बढ़े, उनका भी जो उनकी भी इज्जत हो, उनके भी भाई भाभी उन्हें बहुत प्यार करें और उनकी सभी मनोकामना पूरी हो, समय समय पर बेटियों का मायके जाना बना रहे। दोस्तों, जो ये कहानी सुन रहे हैं और जो ये कहानी कह रहे हैं, हे भोले बाबा उनकी सभी मनोकामना पूरी करना। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।